वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी गीत मास्टर साहब संकेत के लिए कहना बाबू। नैना तेरे बेईमान बलमुआ, नैना तेरे बेईमान, बात के समझ लें। कहानी उस समय की है जिस समय हमारे देश की तीनों मतारी गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई कराह रही थी बाबू। जन्म देने वाली माँ भारत माँ और ये धरती माँ। संकेत लगल क्या? तो जननी जन्म भूमि प्यारी न होती, अरे औलाद उनकी शहीदी न पाते, ये माता मही की मर्यादा के पीछे, अरे न फांसी के तख्त पे जीवन गवाते, जिस जिगर में मही माँ की ममता न हो, अरे उनका दुनिया में आना बुरा हो गया, अरे दर्द गम में जिगर माँ करो ये कभी, उनका आंसू बहाना बुरा हो गया। कहानी उस समय की है जैसा कि हमने बताया साथियों, देश की तीनों मतारी गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई कराह रही थी। माँ की आवाज है, संकेत लगल हो, काबे में तेरा जलवा मास्टर साहब। वह संकेत लगल कि काबे में जलवा, काशी में नजारा है, हमें वो भी प्यारा है। ये तो संकेत हो बाबू, आज मतारी की आवाज हो, माँ की पुकार है, क्या कहना है।
कि जंजीर में है जकड़ी तेरी आह भरे मैया। अरे सोए सोए बहुत जागो आगाह करे मैया। माँ की आवाज है, कह रहे बेटा बहुत सो लिए, सोने का समय नहीं है बेटा, अब इन गद्दारों की ये गुलामी सही नहीं जाती, दुख दर्द सहा नहीं जाता बेटा। माँ की आवाज को जब हमारे देश के क्रांतिकारी जवानों के कान में आवाज जाती है बापू, और के करे कान में गई संकेत हो स्वर्गीय श्री रामदेव यादव चाचा के झटका हो। अरे सुने आवाज को सुभाष से फरमाना, अरे बारे पूज्य बबलू गुरु जी यह तो इंतजार रहा ला। अरे सुने आवाज को सुभाष से फरमाना, वो तनिके वास्ते बिस्मिल जी बने दीवाना, भगत फौलादी बने जोस्तन सवार हुआ, भगत फौलादी बने जोस्तन सवार हुआ, वतन को छोड़ो पापी शेरों का ललकार हुआ। माँ की कराहती हुई आवाज जिस समय हमारे देश के क्रांतिकारी जवानों के कान में आवाज जाती है बाबू, उस समय चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, बिस्मिल खां जी, तमाम क्रांतिकारियों के कानों में जब आवाज जाती है बाबू तो क्रांति की ज्वाला भड़क उठी, और जब क्रांति का ज्वाला भड़कल बाब वही समय अंग्रेजी पुलिस गद्दार किए का चौलरिया लग गई। हरे रामा रामा अरे हुम रे रामा, अरे बारी उमर कमर लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, गोरिया काढ़ निहुरी के पनिया, गोरी के झूले झूलनिया ना, भैल का हर बागी बागी अरे हुम रे रामा, हर बागी बनल भगत सिंह सुनले, बागी बनल भगत सिंह सुनले, बेईमान वारे नदनवा, पापी कैले तूफानवाना, बेईमान वारे नदनवा। तू जलऊ के नहीं डरिया, एक झोपड़ी मिलल
समानावा माई बेटावा करे सयानावा अरे रतिया रतिया यारे हो मोरे रामा रतिया वरी तारा पितली भगले रतिया वरी तारा पितली भगले हो तभी हाना वारे नदानावा पापी कैले तू फनावा अरे जो हिलाके आज अंग्रेजी पुलिस गद्दारों को पता चल जाता है कि भारतीय क्रांतिकारी जवानों में आज क्रांति की ज्वाला भड़क उठी है। गद्दार अंग्रेजी पुलिस पीछे पड़ जाते हैं। आधी रात का समय है बाबू, सरदार भगत सिंह फरार हो रहे थे, सावन का महीना है, अधेरी रात बा रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा है बाबू, पीछे पुलिस पड़ी है, सरदार जी जंगली रास्ता ही फरार हो रहे हैं। आज जब अंग्रेजी पुलिस परेशान होकर के वापस आते हैं, जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। सरदार भगत सिंह सोचते हैं कि अगर झोपड़ी मालिक को जगाऊंगा हो सकता है कि काम बिगड़ जाए। रात भर पानी बरस रहा है, अंधेरी रात है, जंगली रास्ता है। आज सरदार भगत सिंह ओरी के तरह बाबू पूरी रात बिताए। कौन आया कौन गया झोपड़ी मालिक को पता नहीं है। आज भोरेहरिये में चल दिए भगत सिंह, सवेरे भइल झोपड़ी रहल के कर बाबू, एक बुढ़िया मतारी एक लड़का बा जेकर नाम सूरज पावल गई। आज वो गरीबी में मतारी बेटवा लकड़ी काट के बेटवा बेचे सूरज, मतारी बेटवा के जीविकोपार्जन पेट पर्दा चलत रहल बापू। रोज की बात सवेरे सूरज चला जाता है जंगल में लकड़ी काटने के लिए। यहवर मुखबीर बताता है कि अरे सरकार जंगल में एक झोपड़ी है, सरदार भगत सिंह उस झोपड़ी में रात जरूर बिताया होगा। आज मुखबीर के साथ अंग्रेजी पुलिस गद्दार जब झोपड़ी के पास पहुंचे बाबू, कहते हैं कि अरे बुढ़िया मुझे खबर मिली है कि रात भर तेरी झोपड़ी में सरदार भगत सिंह रात बिताया है। आज सरदार भगत सिंह का नौवा सुनते बाबू, बुढ़िया मतारी के आंख से झर 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 आंसू गिरे लगल। कहती करे पगला, सरदार भगत सिंह आया और चला गया, पगला बताया भी नहीं, काश मैं जानती उसे, माँ का वो प्यार देती कि उसकी जन्म देने वाली माँ भी वो प्यार नहीं दिया होगा। अपने हाथ से खाना खिलाती, और आप लोग कह रहे हैं कि सरदार भगत सिंह रात भर इस झोपड़ी में बिताया है, आज बुढ़िया मतारी के आंख से झर 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 आंसू गिरे लगल बाबू। जब इतनी मातृभक्ति मातृ प्रेम की बात, देश प्रेम की बात एक बुढ़िया से अंग्रेजी पुलिस गद्दार सुने बाबू, बौखला जाते हैं। आज बाबू अंग्रेजी पुलिस, जिस समय अंग्रेजी पुलिस सोचते हैं बाबू सुनते हैं, अरे ये एक बुढ़िया में देश प्रेम की इतनी भावना है, आक बबूला हो गए गद्दार, कोड़ा उठा लेता है दरोगा, गद्दार कोड़ा उठा लेता है, बुढ़िया माँ को मारना शुरू करता है बाबू। जब बुढ़िया मतारी के मारे शुरू करे थे तो बुढ़िया मतारी कहले का एक लाइन गीत लगल हो, उहे गीत बाम कह पानिया भरा न गईली, अरे बाबा के पखारवा
अरे बाबा के पोखरवा रे माई का गा, रे माई का गा, रे माई का गले गे मुनरी गवरैया ले गे हार रे। आग बबूला हो गया गद्दार, जिस समय माँ कहती है कि बुढ़िया बोली महानीच, अरे बुढ़िया बोली महानीच, आवाज नहीं रुक सकती है, गर्दन कटवाना संभव है पर शीश झुका नहीं सकती है। कहे कोड़वा के मारी सहे, अरे बुढ़िया मतारिया, अरे बूढ़िया मतरिया, रे बाबू बूढ़िया, रे बाबू बूढ़िया, रे बाबू बूढ़िया, गरजे गोरावन से काहे लाल कार, रे बाबू, अरे जिया बुढ़िया मतारी जब कहती करे गद्दारों, अरे गद्दारों, मैं उस देश की वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है, कृष्ण राम का देश है, भीष्म हनुमान का देश है, अंबेडकर का देश है। आज इतनी जवान जब गद्दार सुने तो किए का कहिए, तनी जबान सुने, अरे गोरैया त्याचारिया, अरे गोरैया त्याचारिया, रे बाबू पापिया, रे बाबू पापिया, रे बाबू पापिया, मारे याद हमारी बुढ़िया माइला क्या। अरे बाबू पापिया, इतनी जबान जब सुनते हैं गोरे गद्दार, इतनी मार मार दिए बुढ़िया माँ को, बाबू माँ इस दुनिया की अंतिम सांस ले रही है, जब जान गए अंग्रेजी पुलिस गद्दार कि बुढ़िया मर जाएगी, छोड़ के चले जाते हैं। यहवर रोज की भांति सवेरे का टाइम बा, लकड़ी काट के जंगल से बुढ़िया मतारी के लड़का जेकर नाम सूरज बतावल गई बाबू, दरवाजे पर आता है, रोज मतारी दरवाजे पे बैठ के अपने बेटवा का इंतजार करें। आज माई ना दिखाई देते हैं बाबू, दुर्वे से चिल्लात हो करे माई, माई कहाँ गईलू माई, दिखाई ना देतो माई। इतनी बात जब माँ के कान में आवाज जाती है बाबू झोपड़ी के अंदर, आह आह की आवाज आती है, झोपड़ी के अंदर दौड़ के जाता है सूरज, देखता है तो माँ इस दुनिया की अंतिम सांस ले रही है बाबू, रोने लगता है, आंख से झरझर झरझर आंसू सूरज के गिरे लगल बाबू, जौनी समत्तर आंख से आंसू सूरज के गिरे तो बुढ़िया मतारी कहती हो करे बेटा, अरे बेटा सूरज, रोने का समय नहीं बाबू, सुतत है भैया, रोने का समय नहीं है बेटा, अरे कसम खाओ भगत सिंह का साथ दोगे, देश के काम आओगे, तब इस माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। आज इतनी बात जब उस सूरज क्रांतिकारी सुन ले बाबू, टेरी के भाव मास्टर साहब लग गए, अरे मोरे राम, अरे मोरे राम, अरे खाया है
माँ के दूध की कसम, अरे टीका टीका लगा लहू का कांति जोत जलाया या बजलाया या बजलाया। अरे शोला भड़का सूरज के दिल, पिस्तौल सवारा है आधी चली बगावत की, बागी बन गया दुलारा है। अग बबूला बना बाकुरा, त्यारा है। अरे पीछे पड़ी गए गोरे सिपाही, पीछे पड़ी गए गोरे सिपाही रे ऊपर इनाम को डारा है। बात के समझ ले बाबू। बुढ़िया माँ कहती, करे बेटा सूरज रोने का समय नहीं है, बेटा वादा करो देश के काम आओगे, सरदार भगत सिंह का साथ दोगे, मतारी के जोन खून लत से लथपथ भइल हो बाबू, आज उसी खून का टीका लगाता और कसम खाता करे माँ। अरे माँ आज से ये जिंदगी की हर सांस देश के लिए है, ये हर कहत बा टीका लगा रहा है, बुढ़िया मतारी इस दुनिया से चल बसी। यहवर फिर गद्दार मुखबीर बताता है कि अरे सरकार, अरे सरकार झोपड़ी में बुढ़िया का जो बेटा है जिसका नाम सूरज है वो भी क्रांतिकारी बन गया है, बगावत पे आ गया है। पीछे पुलिस पड़ गई, देखा संजोग कबा था बाबू, आधी रात का समय बा, पानी रिमझिम झिमझिम बरसत बा, आज सरदार दिन भगत की जब शामिल होता है गोल में, सरदार भगत सिंह के टीम में जब सूरज शामिल हो गया, पीछे पुलिस गद्दार पड़े हैं भाग रहा है। रात का समय है, जंगली रास्ते से भागते हुए शहर की तरफ चला जाता है, रात का मामला है, समझ नहीं पाया बाबू। पुलिस वापस हो जाती है, आधी रात का समय भा, सामने एक दरवाजा दिखाई देता है, दरवाजे को खड़खड़ाता है बाबा। तो कौन निकलता है दरवाजा, वो घर किसका था बाबू? दरवाजा एक वैश्या का था जिसका नाम चंपा भाई बताया गया। आज चंपा भाई बाहर आती है अर्धनग्न अवस्था में, सो रही थी, रात का समय है, कहती है शायद तुझे पता नहीं है, आधी रात का समय है मुसाफिर, दिन में आना, तेरे दिल को बहलाऊंगी, मुजरा सुनाऊंगी, इस समय अगर मैं अपने पैर में घुघरू बांधूंगी तो क्या ये पास पड़ोस वाले मुझे जीने देंगे? शुभ है ना, तेरी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। इतनी बात जिस समय सूरज क्रांतिकारी सुनता है, अरे बाप रे बाप, कहता है कि अरे माँ, अरे माँ ये का कर तू, नारी की दुनिया में महत्ता सबसे बड़ी है माँ, दुनिया में माँ और नारी ही माँ है, कहाँ फंसी हो माँ दलदल में, कहत काबा वह गीत लगल हो, फिल्म का नाम नदिया के पार से, वह संकेत बा
कि कवने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कवन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ऐ ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे, कवन दिशा में लेके जो देखा। असली भोजपुरी हुई अपने देश के, भारत के, हिंदुस्तान के। एकरे बाद बहुत भोजपुरी अब आई गई हो, सटा के हटा के दिखा के हाँ टोआ के, ऐसा ऐसा गाना आ गया है। नाम तो भोजपुरी है फिल्म का, लेकिन हम आप परिवार के बीच गाने को सुन नहीं सकते। ऐसे ऐसे भोजपुरी कलाकार आ गए हैं। सीन कुछ और चलत हो, गाड़ी चलाओ तो तब तक जंगली में नाचे लगत हो। ऐसे नैसन कलाकार आ गए हैं भोजपुरी के, है इहो भोजपुरी रहल अपने जमाने के। और अपने माटी जौनपुर के सीन में झलक दिखाई दिले। आयुर्वेद का हो वैद्य क्या है तो कहना है, आज भैल का व्यस्या कह रही है कि बोली है बैस्या नाही मोजारा शमाइया। अरे जो बुलाते बोली है बैस्या नाही मोजारा शमाइया, तुम्हें बिल्कुल दान नहीं किया पहचान, रात आधी है आधी है, बोली है वैसा नहीं मोजरा, तो टाट के उस दम सूरज है बोला किया नहीं तूने पहचानी हो, झट में पड़ के काहे सहेलू तवाइया, हक सब कर समान मिलके गावा गुड़ गान, रात आधी आधी है बोली है बैस्या नहीं मोजारा, सूरत कहता है कि रे माँ, अरे माँ कहाँ झंझट में पड़ी हो माँ, हक सबकर समान हो देश के हित के लिए माँ, देश प्रेम में आवा माई, ये जिंदगी मिट्टी का है माँ, मिट्टी में मिल जाएगी, कहाँ पड़ी हो झंझट में। जिस समय माँ माँ शब्द सुनती है बाबू, मातृत्व की भावना जग जाती है, सूरज को अपना धर्म का बेटा बना लेती है और देश प्रेम में हाथ बटाने लगी, तो भैल का वह समय उस वैस्या कैले का बाबू जौनी समतर माँ माँ शब्द सुन ले बा, पापट लगी। अरे फेंक दिया
अरे घुघरू घंटी समनवा चांपा बाई हो, अरे फेंक दिया घुघरू घंटी समनवा चांपा बाई हो, सूरज को ली अपना बना ललनवा चांपा बाई हो। लगा सूरज चंपा घर माँ जैसा प्यार पाया हो, अरे रंडी का बेटा चंदन यह उसके मन न भाया हो, अरे खबर दे दिया गौरवन के बेमनवा चंपा बाई हो, इनाम के लालच में पड़ गए नदनवा चंपा बाई हो। आज घुघरू घंटी फेंक देती है बाबू, कसम खाती है आज से जिंदगी की हर सांस बाबा देश के नाम होगी। जीना है तो देश के लिए, मरना है तो देश के लिए। आज धर्म के बेटवा बना के सूरज के अपने यहाँ रख ले बा। उबेस्या के पास एक लड़का बा जेकर नाम चंदन पावल गई, जाके अंग्रेजी पुलिस को खबर देता है, करे सरकार, अरे सरकार हमें बोलने में तो तब बोला, जिस समय खबर पाता है तेरे सरकार, अरे सरकार जिसके लिए आप लोग परेशान हैं वो तो मेरे घर पे है। अंग्रेजी पुलिस इनाम रखे थे बाबू, एक बंगला 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा जो सूरज क्रांतिकारी को पकड़वा देगा। इनाम के लालच में पड़ता है, लेकिन कहा गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, अरे बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिन जिन लोगों ने किया है आरो उनका उनका घर देखो। पकड़वाने गया था, अंग्रेजी पुलिस उसी गद्दार को बंद कर दिए और कहते हैं कि तेरी बात अगर सच्ची निकलेगी, सूरज पकड़ा जाएगा तो तुझे इनाम दे के छोड़ दिया जाएगा। आज अंग्रेजी पुलिस कैले का आला में संकेत हो। कि हाय राम अरे पहुंच गई ले पापी जाके ब्यास को ठवा पे भैया, सूरज के ये भैया बोली है मयरिया नहीं मालूम सरकार, बात ये साहेब जेके हम करावत देखा बाकी जेवना सूरज के पपिया तोहरे हाथ बाटे
बात के समझ ले बाबू। कहते करे सरकार, सूरज की बात कर रहे हैं। मैं तो सूरज को नहीं जानती सरकार। कौन सूरज? कैसा सूरज? मेरे जिंदगी में भगवान एक ही संतान दिए है मालिक, जो आपके सामने है, जिसे मैं अपने हाथ से खाना खिला रही हूँ। आज मतारी धर्म के सूरज के अपने हाथ से वह समय खाना खिलाओ तिरहल बाबू। अंग्रेजी पुलिस कहते हैं, करे चंपा, अरे चंपा बाई, तू कह रही कि ये तेरा बेटा है। एक वहां जाकर के थाने में कहता है कि वो मैं उसका बेटा हूँ, मेरा नाम चंदन है। तो तेरे हाथ में फैसला है। आज चंपा बाई को लिवा करके बाबू अंग्रेजी पुलिस गद्दार थाने पर आते हैं। चंपा बाई के हाथ में रिवॉल्वर देते हैं बाबू लोट करके और कहते हैं, करे चंपा, अरे चंपा, जो तेरा बेटा है उसे बचा ले, जो दूसरे का बेटा है उसे गोली मार दे। आज इतनी बात जोनी समतरु धर्म के मतारी सुन ले हो बाबू, मन में विचार कर रही है माँ, करे भगवान कैसे धर्म संकट में जिंदगी फंस गई। सोचत बा कि मौका मिलल हो देश के काम आवे के, जिंदगी भर बहुत कुछ कैली, कुछ मिलल बनल ना। अरे आज मौका मिला है देश के काम आने का। चंपा बाई कैले का अंतिम भाव लग गया। अरे पिसटल हाथ में उठाई तो गोलिया के करे पे चलाई। अरे आसु बरसला नया नवा धर्म के जाना। पिस्टल उठाती है, मन में सोच रही है, सोची माँ अपने मन में गर बेटा लिया बचाई। बहुत करीब अरे पापी रही के भड़ुआ के पद भी पाई। अरे कैली गोली के निशानवा रे धर्म के जाना। देसाई प्रोग्राम SLY स्टूडियो तियरी जौनपुर UP के द्वारा ये प्रोग्राम हो रहा है बाबू। कोई कुछ नहीं और सभी बहुत कुछ है। जिंदगी में पैसा बहुत कुछ हो लेकिन सब कुछ ना हो। आज बेस्या मतारी धर्म का सोचत हो चंपा भाई, देश के काम आने का मौका मिला है तो देश के काम आऊंगी। आज जैसे हमार शहादत हमरे इस शरीर के ऊंचाई पे पहुंचावे वाला आपे लोग हुआ, आप पंच मरवेश्वर और हमारे पार्टी के लोग जैसे पूज्य बबलू गुरुजी, बबलू मिश्रा गुरुजी, हमारे बड़े भाई ननकू भाई जेके गवाह दहले कोरे से वो बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए, जेके रेरिया के छोड़ दे हम बताए न पाइप कहाँ गए। हमारे बड़के भैया श्री सोमारू जी जोन म्यूजिक के माध्यम से माई सरस्वती के देन हो, माँ जगत की संचारिका हैं, जिंदगी माइये से चलत हो, पंच परमेश्वर से ही जिंदगी हो, दुनिया हो, समाज हो। हमारे छोटे भाई प्रमोद जी, ये हमारी कंपनी है,
मैं डॉक्टर विजय बहादुर यादव, प्राकृतिक योगा चिकित्सा, स्वामी जहांगीर दरगाही बच्चा सिंह, महाराज चौहारी हबीबुल्ला गिरिजा शंकर, मैं शिष्य पूज्य स्वर्गीय श्री लालचंद यादव, ग्राम व पुष्ट नरवे निकट ठेकमा आजमगढ़ यूपी। आज जो नहीं के देन हो, इस शरीर सजीव कंकाल तंत्र बोलत हो। बिना गुरु के दुनिया में ज्ञान नहीं, स्वयं भगवान भी बिना गुरु के उत्तीर्ण नहीं हुए, और मात पिता पितृ से कोई उत्तीर्ण नहीं होता। तो गुरु के देन हो, नैया पार हो जाले, जैसे हड्डी के नैया पार हो जाते। हमारे परम अजीज श्री पूज्य श्री जसवंत मास्टर साहब, जेकर दर्जा भगवान से भी बड़ा हो, गुरु उरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु उरु साक्षात परम ब्रह्म, तो कहना है। आज चंपा बाई सोचती है कि अगर अपना बेटा बचा लिया, अरे अपना बेटा बचा लिया, बहुत करेगा गद्दार, किसी वेश्या की ढोल बजाएगा और भड़ुआ गिरी की पदवी पाएगा। अगर सूरज इस दुनिया में रह जाता है, अरे अगर सूरज इस दुनिया में रहेगा तो देश के काम आएगा, देश की लाज बचाएगा। यह वे सोच की मतारी ठा से गोली मार दे अपने बेटवा के। लेकिन बाबू, जन्म देने वाली माँ है, जिस समय अपने बेटे चंदन को माँ वो गोली मारती है चंपा बाई, तो भैल का तो माँ की ममता ना सहन हुई, खुद पे वार चलाई, इनकलाब जिंदाबाद बोला, सूरज कर में पिस्टल के उठाई, अरे जेल के कैले या समस्या ना वा था रम के जाना। पापी अंग्रेजी पुलिसन के कैले हवा पे सफाई, अरे बचली जब एक गोली आली हले, खुद पे वार चलाई, तो धन हो पीरन के खरनवा रेतर मके जाना। सूरज देख रहा है खिलवाड़ कि माँ बेटा मेरे खातिन दोनों बलि चढ़ा दिए, देश के काम आ गई। आज इनकलाब जिंदाबाद बोलता है, अरे इनकलाब जिंदाबाद सूरज बोलता है, ठाए ठाए बाबू मम्मा लोगों के मरले थुत्थुर रगड़े लगले। एक गोली बचती है जब देश के क्रांतिकारी सूरज के पास सोचता है कि गद्दार मुझे पकड़ेंगे, मेरे सामने बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बाबू, हमारे देश का सपूत अपने कनपटी में गोरी मार के सदैव के लिए इस धरती माँ की गोद में सो जाता है। स्वामी दरगाही देव जद्दू गुरु लालचंद के दाया शरीर गए, अरे गिरिजा शंकर अनुरागे काव्य रचाया। दूध की कसम, अरे विजयी लाल चंद प्यारे के मनवा भाया।